लगता है ये चैरिटी शॉप्स होती हैं, मतलब पुराने सामान आपको मिल जाते हैं। इस टाइप की यहाँ पे बिल्डिंग्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। और ये जो है ये वाला, ये एक है ग्रीक स्ट्राइप कॉर्नर। हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज जो है हम ऐसे ही वॉक कर रहे थे, तो अभी हम आए हैं, यहाँ पे गार्डन सा बना हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये पूरा जो है ना बहुत ही बड़ा गार्डन था। और ये जो है ये वाला, ये एक है ग्रीक स्ट्राइप कॉर्नर, मतलब कि इस पे ग्रीक फूड मिलता है इस वाले पे। और इधर भी जो है बहुत सारी शॉप्स हैं। हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी? आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और आज मैं जा रही हूँ शॉपिंग पे, जैसा कि क्या आपको क्या पता होगा, अभी हम जो है 10-15 दिन के बाद, मतलब कि हम जो है इंडिया जा रहे हैं, तो थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है, तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, क्योंकि हम फाइनली 2 साल के बाद जो है वो घर जा रहे हैं, मतलब हम घूमने के लिए जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे 1 महीने के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। और जैसा भी मैं आपके साथ मैं शॉपिंग जो करूँगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, और चैनल पसंद आता है तो मेक श्योर आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इस टाइप की यहाँ पे बिल्डिंग्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। और ये वाला जो कलर है ना, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आप ये देखिए, जो ये देखिए, तो अभी हम जा रहे हैं और आपको भी मैं लेकर चल रही हूँ मेरे साथ। ये पता नहीं क्या है, देखिए शायद मुझे लगता है रातों खिल जाते होंगे ये बेरीज, तोड़ ली हमने बेरीज। इसमें बहुत सारी आ रही हैं। देख ही रहे हैं आप, तो ये जो बेरीज हैं ये मुझे मिली हैं अभी, बट खट्टी बहुत है ये स्वाद में। ये देखिए, ये देखिए आप कितने अच्छे लग रहे हैं ना। और वो देखिए, ये कुछ छोटा सा चर्च है यहाँ पे। और आप जो है ये वाला रास्ता और दूसरी साइड जो है वो वाला जो रास्ता आप देख रहे हैं, तो ये सब साइकिल वालों के लिए बनाया हुआ है ये वाला रास्ता। तो ये है आइसलैंड, इसमें जो है 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे पाउंड में इसमें सामान मिलता है। यहाँ पे जो है वो ट्यूसडे और फ्राइडे को मार्केट भी लगता है। ये चैरिटी शॉप्स होती हैं, मतलब पुराने सामान आपको मिल जाते हैं। ये देखिए पूरी इंडियन ग्रोसरी, इसमें सब गमले फमले सब है। ये देखें,
पहले इस पर चलते हैं, एशिया ओरिएंटल पे काजू देखेंगे, क्योंकि काजू कतली बनानी है मुझे। तो इस वाली शॉप पे मैं जो है वो थोड़े बहुत काजू मैंने देखा था, लेकिन मुझे इस पे सही नहीं लगे थे, तो मैंने एजडा से लिए थे काजू। तो अभी मैं यहाँ पे जो है नारियल का बुरादा चेक कर रही थी, और यहाँ पे ये सेमोलिना है, मतलब सूजी है, जो कि है 250 रुपये की, 1.5 किलो, 1.5 किलो सूजी है 250 रुपये की। और मैं पूरा डिटेल वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि इंडियन ग्रोसरी यहाँ पर कितने रुपये की मिलती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही मैं अभी जैसे मैं आपको यहाँ पे इंडियन ग्रोसरी बता रही हूँ, तो ये थोड़े बहुत जो है मैं सेंसबरी गई थी उसके बाद कुछ और चीज़ लेने के लिए, तो यहाँ पे ये हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है, जो कि 80 रुपये का 100 ग्राम, 90 रुपये का 100 ग्राम, 100 रुपये का 100 ग्राम, ऐसे यहाँ पे धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, जो कोई सा मसाला होता है वो 100 रुपये में 100 ग्राम, या 80 या 60-70 रुपये में आपको 100 ग्राम मिल जाता है। इधर ही सारे जो है वो प्लांट्स रखे हुए थे। अभी मैं आई हुई हूँ एजडा, क्योंकि मुझे यहाँ से कुछ चॉकलेट्स वगैरह लेनी थी, थोड़ी बहुत मैं यहाँ पे कैंडल्स देख रही हूँ, क्योंकि बस मैं कहीं भी जाती हूँ तो थोड़ा बहुत मैं यही देखती हूँ, ज़्यादातर कैंडल्स वगैरह। और ये बहुत ही बड़ा सुपर मार्केट है, इसका डिटेल वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करूँगी अगर आप इंटरेस्टेड हैं। तो चलिए फिर इसी के साथ आ गए वीडियो के एंड पे, एक बार फिर मिलेंगे, बाय बाय।